वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है सैटरडे एंड सैटरडे को हमारा छुट्टी है, तो आज हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। ब्रेकफास्ट में हमने लिया है मकान का वेजी बर्गर पैटी, और अब हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे। और इसको हमने करना है 220 डिग्री सेल्सियस पे बेक, और इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ थी वो 4 थी। तो ये बेसिकली जो बर्गर के अंदर स्टफिंग होती है वो चीज़ है। तो इसको अभी हम बेक करते हैं ओवन OTG, इसको हमने गर्म करने के लिए रखा है ओवन को। तो फाइनली इसका जो प्री हीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको अंदर डालेंगे, और इसमें स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कैसे कैसे इसको बेक करना है। प्री हीट करना है 220 डिग्री सेल्सियस पे, और ये फ्रोजन प्रोडक्ट है तो हमने पहले फ्रिज में रखा हुआ था जब मार्केट से लाया, उसके बाद फिर सोचा सैटरडे है तो गुड मॉर्निंग, आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेजी बर्गर जो आप देख सकते हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग है और हमने लिए हैं मैकेन के वेजी बर्गर्स, और किटी के हमने बर्गर बंस लिए हैं जो कि पैक ऑफ 4 है। इसको हम करेंगे हमारे अपने मोफिलीचर्स OTG पे, ये 3555 DG शेफ जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग आपके टेम्परेचर गेजेस हैं, कैसे आप इसको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या बनाना है, इटालियन सेवरी सैंडविचेस। तो अब हम इसको करेंगे 220 पे, क्योंकि ये पैटीज है तो हम इसको यूज़ करेंगे जो हमारा 220 डिग्री है। देखिए, फ्रेंच ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, पिज्ज़ा, ये बर्गर। तो हम यहाँ पे सेवरीज क्लिक करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने स्टार्ट स्टॉप किया है और ये यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ से सेवरीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम नंबर 8 सेवरीज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं नंबर 8 पे हम सेलेक्ट कर लिया है जो कि बर्गर है, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ओवन प्री हीट होना शुरू हो गया है 10 मिनट के लिए, तो तब तक हम अपना बर्गर प्रेप शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा क्या है वो, क्या क्या मैंने लाया हुआ है जो हम अपने बर्गर पर डालेंगे। प्रीस एंड सेवरीज पे हमने इसको सेट किया 220 डिग्री सेल्सियस पर, और नंबर 8 पे अभी प्री हीट हो रहा है। ये यहाँ नंबर 8 कहाँ लिखा था प्रिंस, ऊपर से देखा आपने नंबर? सो गाइस, बर्गर बनाने के लिए हमें उसकी इंटरनल स्टफिंग तैयार करनी पड़ती है। आपको पता है स्टफिंग ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा टेस्ट के लिए। तो अब हमने लिया, सो गाइस, हमने बर्गर बनाने के लिए लिया है क्यूकम्बर, और हमने इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। स्लाइसेस में कट करने के बाद हमने जो बर्गर्स लिए थे हमने उनको भी रोस्ट कर लिया, और बर्गर्स को रोस्ट करने के बाद जो हमने ये टिक्की ली थी जिसको हमने ऑलरेडी OTG को अभी प्री हीट के लिए रखा है, उसके बाद हम OTG के अंदर टिक्कीज़ को रख देंगे। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको देख के काफ़ी खाने का मन करेगा बर्गर। तो इस तरीके से आज हम सैटरडे को अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में हमने ये ब्रेकफास्ट में बनाया, और देखिए आप स्लाइसेस हम कैसे कर रहे हैं क्यूकम्बर के, और टमाटोज हमने स्लाइस कर दिए हैं, तो आगे देखिए साथ में। सो गाइस, अब हमने फाइनली जो बर्गर लाए थे उन बर्गर्स को डिफरेंट स्लाइसेस में, एक बर्गर से दो स्लाइसेस हमने सेपरेट कर ली थी, और उन दोनों को हमने अलग अलग रोस्ट किया। तो आप देखिए अभी प्रिंस इसको दो स्लाइसेस में कट कर रहे हैं, हमने दोनों को अलग अलग स्लाइसेस में कट कर लिया। अगर आप घर में बर्गर बनाते हैं तो आप इनको सेपरेट कर लीजिए ताकि ईजीली आप इसको रोस्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमने इसको रोस्ट कर लिया, और जो हमारे वेजीज थे टमाटोज एंड क्यूकम्बर, तो इनको हमने ऑलरेडी ही स्लाइसेस में कट कर लिया था। और फिर यहाँ अब हमारा तवा भी गर्म हो गया है। क्रॉस चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर थोड़ा पानी डाला ताकि जो तवा रेड हॉट गर्म है अब उसके ऊपर से ये स्टीम बन करके पानी उड़ जाए, जिससे प्रूफ हो गया कि तवा डेफिनेटली गर्म है। अब हम इसके ऊपर अपने बंस को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं ताकि हम उसको रोस्ट कर पाएँ। तो फाइनली हमारा तवा भी रेडी है, और यहाँ हमारा OTG भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो 100 डिग्रीज तक तवे का टेम्परेचर जा चुका था, तभी पानी सारा इवेपोरेट हो गया, और इसके बाद हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया ताकि जो हमारे बंस हैं वो अच्छे से फ्राई हो सकें। तो वो भी अभी हम
डाल ही रहे हैं इस तवे के ऊपर तेल। इसके बाद हम इस पे रखेंगे अपने बंस को ताकि वो रोस्ट होकर के हमारे फाइनल आउटपुट बर्गर के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से रोस्ट किया तवे पे। और यहाँ सो फाइनली बर्गर को साइड में रोस्ट करने के बाद अब आई ओटीजी की बारी। ओटीजी भी हमारा प्री हीट हो चुका है, तो हमने अभी विदाउट ओटीजी ग्लव्स, इसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हुए ही हमने वेज पैटीज को ओटीजी के अंदर रखा और वो अच्छे से थोड़ा ब्राउनिश शेड उसका आ जाएगा जब वो थोड़ा भुन जाएगा। फिर अप्रॉक्स 20 मिनट्स इसको लगेंगे, तो 20 मिनट्स हमने वेट करा और साथ में फिर ये अच्छे से पक गया। फिर उसको हमने स्टफिंग करी, वो भी आ गया आप देखिए। सो विद इन 20 मिनट्स हमारी जो पैटीज़ हैं वेज पैटीज़ वो बन के तैयार हो जाएंगे, अच्छे से वो पक जाएंगे ओटीजी में। तब तक हमने अपनी जो लेयर्स थी बर्गर की वो तैयार कर दी, उस पर साउथ वेस्ट सॉस लगा दी जो हम सॉस लेके आए थे, उसके ऊपर अपनी जो हमने स्टफिंग तैयार करी है टमाटोज एंड क्यूकम्बर्स की, तो वो भी हमने इसमें स्टफ कर दिया और दोनों लेयर्स को अच्छे से हमने सॉस लगा दी थी इसके ऊपर। तो गाइज़ अब हमारी चीज़ की बारी आई। चीज़ को हमने फ्रीज़र में रखा था तो चीज़ निकाला हमने, देखिए अभी चीज़ का लुक। तो फिर हमने चीज़ की लेयर लगाई बर्गर में और इस तरीके से हमारा जो पार्शियल स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। जस्ट अब वेट कर रहे हैं हम हमारी टिक्की का जो कि अभी है ओटीजी के अंदर, तो विद इन 20 मिनट्स हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। सो गाइज फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स हमारे जो ये टिक्कीज थी ये गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ गया और अभी खाने के लिए तैयार हैं। तो इनको हमने निकाल लिया ओटीजी से केयरफुली ताकि हाथ में ना लगे, बिकॉज ये पूरा गर्म होता है, बहुत प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है अदरवाइज़ चोट लग सकती है। तो हमने इनको निकाला सेफली ओटीजी से एंड उसके बाद जो हमारे बर्गर की हमने लेयर्स तैयार करी थी उसके बीच में हमने इसकी स्टफिंग भी करी और हमारे खाने के लिए बर्गर तैयार था फाइनली, जिसको मैंने अपने ब्रेकफास्ट में लिया। तो आप भी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस घर में हमने अपने हेल्दी तरीके से आज बर्गर तैयार किया और अपनी क्रेविंग को ख़त्म किया फाइनली बर्गर खा के। चीज़ की लेयर हमने बीच में लगा दी थी, उसके ऊपर हमारी जो ये पैटीज थी जिसको आप टिक्कीज भी बोल लो, तो उसकी लेयरिंग करी थी और ये कितना टेस्टी था खाने में, उतना ही टेस्टी देखने में लग रहा है। हमने दो स्लाइसेस कर दिए एक बर्गर की और देखिए फाइनल लुक कितना टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।